हे एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। तो गाइज़, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं घुट्टी के बारे में। तो गाइज़, ये जो घुट्टी है मेरे पास, ये है 112 साल की बुढ़िया वाली घुट्टी। तो वैसे तो मैंने 555 घुट्टी हमेशा यूज़ की है, तो लेकिन अब की बार मैंने ये 112 साल की बुढ़िया वाली घुट्टी मंगाई है। तो मैं आज आपको यहाँ पर इसका रिव्यू दूँगी। तो गाइज़, ये जो घुट्टी है काफ़ी अच्छी है और ये मुझे पड़ी है 63 रुपीज़ की। तो रेंज भी ज़्यादा नहीं है इस घुट्टी की, तो आप इसको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी घुट्टी है ये। तो गाइस, हम बात करें कि ये किस किस काम आती है। तो गाइस, ये जो घुट्टी है ये एक आयुर्वेदिक मीठी औषधि है और ये 28 बहुमूल्य जड़ी बूटियों से बनी हुई है। और ये घुट्टी बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को स्वस्थ वो हेल्दी बनाने के लिए आप इस घुट्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों में जो दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उनको बुखार आ जाता है, दस्त, सर्दी, खांसी, कब्ज़ या दूध पलटना, पेट में उनके जलन होना, गैस होना, बच्चों को भूख ना लगना, कमजोरी आना और दांत निकलने के दिनों में कष्ट होना, तो ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में आप ये घुट्टी दे सकते हैं। तो इसके अंदर का अंजीर, किशमिश, मुनक्का, अजवाइन आदि जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं, जो बच्चों की पाचन क्रिया को सुधार कर उन्हें हष्टपुष्ट बनाती है। तो 112 साल की बुढ़िया की घुट्टी का सेवन अच्छे भले बच्चे को प्रतिदिन कराते रहें, और इससे क्या होगा, आप बच्चे की जो तकलीफें हैं, पेट की समस्याएँ, वो दूर रहेंगी और आपका बच्चा जो है वो तंदुरुस्त बनेगा। तो इसकी जो खुराक है वो कैसे देनी चाहिए, वैसे तो डॉक्टर की सलाह से ही देनी चाहिए, मगर इसमें मेंशन भी किया गया है कि 1 दिन से 3 माह तक के बच्चे को 6 बूंद देनी चाहिए और 3 माह से 6 माह तक के बच्चे को 12 बूंद देनी चाहिए और 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे को 2.5 ml यानी कि आधा चम्मच जो चाय का होता है वो आप दे सकते हैं, और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे को आप 1 चाय का चम्मच दे सकते हैं, और 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे को आप 10 ml यानी कि 2 चाय के चम्मच इस घुट्टी को दे सकते हैं। तो इसको किस तरीके से दिया जाता है, हम ये बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आपके बच्चे को दस्त हो गए हैं तो इस घुट्टी को आप सादे पानी में ऐड करके, यानी कि जो नॉर्मल पानी होता है उसमें ऐड करके दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे के दाँत निकल रहे हैं तो सुबह, दोपहर, शाम को साफ़ उंगली से बच्चे के मसूड़ों पर घुट्टी को हल्के हल्के मलने से दांत आसानी से निकल आते हैं। दूध अगर बच्चा आपका पलट रहा है तो घुट्टी को ताजे पानी में मिलाकर दिन